हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छवि जैन्स इनोवेशन। आज का ये वीडियो आयुष मंत्रालय द्वारा इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स के ऊपर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटायर मैनकाइंड इज सफरिंग, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस बॉडीज नेचुरल डिफेंस सिस्टम। यू शुड ड्रिंक वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, बहुत ज्यादा गर्म पानी हमें नहीं पीना चाहिए। देन वी शुड प्रैक्टिस योगा डेली। अब हम बात करते हैं काढ़े की, या हम कह सकते हैं हर्बल टी की। तो इसके लिए हमें चाहिए अदरक। अदरक को हम सॉल्ट भी कहते हैं, ड्राई अदरक को, ये फ्रेश अदरक है। फिर लौंग, काली मिर्च, तुलसी जी के पत्ते, मुनक्का और दालचीनी। और इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, विटामिन सी की भी पूर्ति करने के लिए, हम इसमें थोड़ा सा नींबू यूज़ कर सकते हैं, जैगरी यानी गुड़, या फिर हनी। आधा ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है और इसे अब हम बॉईल करेंगे और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स घेर देंगे। काली मिर्च, एक कुटी हुई काली मिर्च है, ये 2-3 चुटकी इसमें मैंने डाली है, और मुनक्का, तुलसी जी के पत्ते, अदरक, दालचीनी, आधा इंच मैंने दालचीनी घेरी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काढ़ा नहीं पीना चाहिए। एक लौंग घेरी है, अच्छे से इसे बॉईल कर लेंगे और फिर इसे ढक देंगे और आपका काढ़ा रेडी है पीने के लिए। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप अगर ये सोचें कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में मैं घेरूंगी तो बहुत फ़ायदा करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये उल्टा नुकसान करेंगे। तो हर किसी की अपनी वात पित्त कफ की अपनी प्रकृति होती है, तो और इसमें जितनी भी चीज़ें गिरी हैं उनकी तासीर गर्म है, तो बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग मैंने ही बनाती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीने से मुँह में छाले, उल्टी या सीने में जलन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी। तो मैं माइल्ड बनाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। अभी मैं काढ़े के इंग्रेडिएंट्स में वेरिएशन कर लेती हूँ। जैसे मैंने इसमें लिए हैं गिलोय और तुलसी जी के पत्ते, मुनक्का, मुलैठी ली है मैंने इसमें, काली मिर्च और हल्दी। हल्दी हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी चाहिए क्योंकि खाने में ऑलरेडी हम लोग खाते हैं, तो 1 या 2 चुटकी हल्दी मैं इसमें घेर लेती हूँ। मार्केट में इस टाइप के रेडीमेड काढ़े भी अवेलेबल होते हैं, और ये देखिए इसमें मुलैठी, दालचीनी और ये सौंठ, मुनक्का, तुलसी जी के पत्ते, सब कुछ है। So I'm going to enjoy my cup of kada, you enjoy yours, and if you feel this video is informative and useful, please like it and share it to the maximum people you can. Thanks for watching.